सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए। नमस्कार दोस्तों, आप यूसुफ पठान को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी पहले ही शुरू हो चुका है। राउंड दो में बड़ौदा और महाराष्ट्र के बीच एलिट ग्रुप ए मैच, जिसे सोमवार 12 नवंबर को वडोदरा में मोतीबाग स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के कप्तान अंकित बावेन ने टॉस जीता और बड़ौदा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा ने खराब प्रदर्शन किया और शुरुआती सत्र में बोर्ड पर 70 रन बनाए तथा 4 विकेट खो दिए। यूसुफ पठान और स्वप्निल सिंह ने संभाली बड़ौदा की पारी। खतरनाक ऑलराउंडर यूसुफ पठान 24वें ओवर में स्वप्निल सिंह के साथ बेहतरीन साझेदारी करके बड़ौदा के डूबती हुई पारी को बचा लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट लिए, 108 रन जोड़े और बड़ौदा को 230 रन में मजबूत स्थिति में ले लिया। यूसुफ पठान की ने खेली तूफानी पारी। यूसुफ पठान ने अपनी टीम को मुश्किल से बचाने के लिए एक शानदार तूफानी पारी खेली। पठान ने काउंटर करते हुए अपने आक्रामक बल्लेबाजी से महाराष्ट्र के गेंदबाजों पर अच्छा हमला किया। दुर्भाग्यवश यूसुफ केवल एक रन से अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 96 गेंदों का सामना किया और 99 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस समय के दौरान यूसुफ ने 103.12 की दर से रन बनाए। यूसुफ के अलावा स्वप्निल सिंह ने 79 रन बनाए। क्या यूसुफ पठान टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट करें। और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।